पार हो गए, हाल भी दो करने पैने। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। पंज प्यारियां दे जथे भी दो लगणगे कल, बाटे भी दो तैयार होणगे। महाराज कृपा करन सच्चे पातशाह, इसे तरह ही पंथ वधदा जावे। खुशी होंदी है ना घर एक जी का जन्म होवे ते, कितनी माँ बाप नू खुशी होंदी है, सारा टब्बर किन्ना प्रसन्न होंदा है। तुसी सोच के वेखो जदों कल सतगुरां दे घर इन्ने जीआं दा जन्म होना ते दशमेश पिता माता साहिब कौर जी नू किन्नियां खुशियां होनी। गुरु कृपा करे, गुरु बख्शिश करे, ये सब तुहाडियां संगतां दीआं सीसां सदका ही हो रहा सारा कारज। साहिबजादे प्रतख हाजर नाजर हो के वरत रहे है। महाराज कृपा करन हर सिख जिम्मेवारी चके, महाराज कृपा करनगे फिर कमी रहिंदी कोई नहीं। इन्ना सतगुरु दे के निवाजदे है, बाकियां सारियां चीज़ां ते पिछे रह जांदी। इन्ना सतगुरु लाड प्यार बख्श दे, थोड़ा जा कोई कमर कस्सा करके तुरे सही ईमानदारी नाल वफादारी नाल। इन्ना भर भर के दिंदे है सच्ची मुच्ची बाणी दियां, जिवें पंक्तियां ना, पतित पावन हर बिरद सदाए, एक तिल नहीं भन्ने काले। एक तिल जिन्नी भी किसी ने घालना काली, सतगुरु वह भी करजा सरते नहीं रखते, कई गुणा वध दे के मोड़ दे। हाँ ठीक है तू आस नहीं रखनी, पर सतगुरु नहीं भुलदे। कई बारी आपां दिन च विचरदे आ, कहिंदे नहीं कई बारी दूसरे नूं कि अज ते मर चले सी, पता नहीं किहड़ी चीज़ ने रख लिया सानूं, अते जान निकलन लगी सी मरी चले सी पता नहीं किन्ने रख लिया। आ जिहड़ा कुछ घड़ी तू बह के सत्संग कीता, जांदिआं जांदिआं किसे दा जोड़ा साफ कर गया, थाली मांझ गया, सच्ची मुची वह सेवावां विच आ के खलो जांदी। वड्डियां वड्डियां मुश्किलां दे हल हो जांदे, वड्डे वड्डे दुख सूली दे कंडे बन के रह जांदे। महाराज कृपा कर दे। आओ गुरमुख प्यारियां तो आप जी ने भाई जगजीत सिंह जी बाबी हा जी कोल, आप जी ने कीर्तन दा आनंद माणिया। जितना समा साडे पास है आपां कोशिश करिए समय नू सफला करिए। संगत विच आ के थोड़ी गर्मी बुरमी भी लगे तो बर्दाश्त कर लिया करो, इत्थे कीती होई गर्मी दा सेक बर्दाश्त कर लेंगा, अगे नरकां दे सेकां तो बच जाएगा। एडा लाभ है संगत विच आउण दा, जे इत्थे धक्के भी पैण ना, संगत वध जांदी कई वारी ते औखा ना होई, इत्थे धक्के बर्दाश्त कर लेंगा, जमां दे धक्कियां तो बच जाएगा। बहुत लाभ है संगत विच आण दा, इत्थे ते बस अखां नीवियां करके हथ जोड़ जोड़ के ही कहीं सतगुरु तेरा शुगर है, अपनी थां अपनी गोदी च मैनू थां बख्शी है तू। जिवें माँ नू सारे बच्चे प्यारे होंदे, जिहड़ा गोदी वाला होंदा ना उहदा बार बार ध्यान रखदी, किथे उड़ के चलिया ते नहीं गया, उहदी हर चीज़ का फिक्र करदी। इसे तरह ही सारी सृष्टि प्यारी है, सारे सृष्टि के जीव प्यारे ने, पर जिहड़े महाराज की गोदी विच आ के सजदे उहनूं बहुत ही प्यारे लगदे। तो महाराज नूं अरदास करके बैठे हो, जितना समा साडे पास है इहनूं सफला कर सकीए। आओ दो कु मिंट गुरमंत्र का सहारा, उस तो बाद जिवें जिवें लीला तार सतगुरु लीला वरताणगे आप रल मिल हाजरी भरते हैं। करो सारी संगत कृपा जी, वाहेगुरु 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 गुरु, वाजा मारो शाबाश, वाजा मारो सारे गुरु 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 गुरु। खोल के बोलो, खोल के गूंजा पा के बोलो शाबाश गुरु 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 गुरु
गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु। जपो 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 कर्मा वाले हो जपो सारे गुरु 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 गुरु। चोलियां भर रहे जे साहबजादे गुरु जिदी झोली भरते ने पहला नाम जपाउंदे जप लो जो मर्जी पवा लो झोलिया च गुरु 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 गुरु। जेता समुद्र सागर नीर भरिया तेते औगुण गवारे दया करो किश मेहर उपावो डुबदे पत्थर तारे। हरे बोलो दया करो किश मेहर उपावो फिर बोलो दया करो किश मेहर उपावो डूबदे पत्थर तारे डूबदे पत्थर तारे। लिख कते न छुट्टी है खिन खिन भूलन ओ बख्शन गार बख्श ले नानक पार उतार ओ बख्शन गार बख्श ले नानक पार उतार उतारो तारन गारे तारो तारन गारे। बोलो तारो तारन गारे ओहो तारो तारन गारे तारो तारो तारण तारण
तारण हारे पावक सागर अथान जर में पावक सागर अथान पावक सागर अथान जर पावक सागर अथार तार तारे तार तारण गारे बोलो तार तारण हारे तार तारण हारे मात गर्भ में अपन सुमरन देते तुम रखन रारे पावक सागर अथाल घर में तारो तारण वारे माधो तू ठाकुर सिर मोरा गाऊंगा तुगारो तोरा कीते को मेरे सम्मान करण कर तृण जाने तू दाता मगन को सगली दान देहे प्रभु पाने खिन में अवर खिन में अवरा चर्ज चलत तुम्हारे रूड़ो गुड़ो गैर गंभीरो चो अगम पारे साध संग जो तुम्हें मिलायो तो सुनी तुम्हारी बाणी आनंद भया देखत गी नानक प्रताप पुरख निर्वाणी बोलो तारो तारण गारे तारो तारण गारे बोलो तारो तारण हारे आहा हा तारो तारण हारे तारो तारण गारे तारो तारण गारे बोलो तारो तारण हारे तारो तारण हारे वाहेगुरु 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 तार ले रामा तार ले सारे बोलो मोको तार ले रामा तार ले साडा रामा कौन है तन तन श्री गुरु गोविंद सिंह जी मोको तार ले रामा तार ले मैं अजान जन तरवे न जानू बाप बीठला बांधे
लोभ लहर अत निझर बाजे काया डूबे केसवा संसार समुंदे तार गोविंदे तार ले बाप विठला उतारो तारण गारे तारो तारण गारे मंगो तारो तारण हारे तारो तारण हारे पावक सागर अथा लगर में पावक सागर अथा लहर में पावक सागर अथा लहर में पावक सागर अथा लहर में तारो तारण गारे तारो तारण गारे बोलो तारो तारण हारे ओहो हो तारो तारण हारे ऊंचे अपार बेअंत स्वामी कौन जाने गुण तेरे गावते उदरे सुनते उदरे बिन से पाप घनेरे जदो तू तारण ते आवे पशु परेत मुगद को तारे पाखन पार उतारे नानक दास तेरी शरणाई सदा सदा बलहारे ओ पशु परेत मुगद को तारे पागन पार उतारे उतारो तारण गारे तारो तारण गारे बोलो तारो तारण
हरे आखो सतनाम श्री वाहे गुरु। अपने बच्चियां दे भले लई बोलो सतनाम श्री वाहे गुरु। कलगीधर दशमेश पिता दी खुशी लैण लई बोलो सतनाम श्री गुरु। सारा गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ लो एक ओंकार तो लैके 18, 10, 20 तक। जे चाहुंदे हो ना सानू भी तारे साडियां कुलां नू भी तारे। अज एक नुकता फड़ के लै जायो अपना आला दुआला ये चैक करो कि हो जाए। आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। संगत चंगी च बैठिया करो चंगिया दा संग करिया करो। सच्ची मुची फिर तू नहीं तेरिया कुलां दा भी उधार हो जी। क्योंकि संगत का गुण बहुत अदकाई नट महला चौथा सोडी पातशाह गुरु रामदास दे वचन। संगत दा बहुत गहरा असर होंदा जे संग ही डोबदा जे ते संग ही तारदा जी। इस करके अज साहबजादियां दे चरणां च अरदास करियो। बख्शियां होयां दे बचन ने शराबी दी संगत करेगा शराब पीण दी लत पा देणगे। तू पींदा नहीं भावे उन्हां कोल बैठदा है जाके वह भी किनारा हो जा। 10 शराबियां कोल बैठेगा उन्होंने नहीं कहना रल के सुखमनी साहब करी। उन्होंने यही कहना है नवा ब्रांड आया ही तू भी ला लै। आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। शराबियां दी संगत करेगा शराब पीण दी लत पा देणगे। जुआरियां दी करेगा जुआ खेडण दी लत पा देणगे। विकारी पुरशां दी संगत करेगा विकार खावी कर देणगे। नितनेमियां दी संगत करेगा नितनेम शुरू करा देणगे। मैं सच कहना जिहड़े जड़दे खांदे सी तमाकू खांदे सी राती शराब तो बिना सो नहीं सी सकदे। एक बख्शियां दी संगत होई अज कहिंदे रात नूं सोण लग्गिआं जद तक सोहला ना पढ़ लिए सानूं निंदर नहीं पैंदी। संगत काया कलब कर दिंदी। मैं इसे भी वेखे ने चंगे भले जिहड़े सवेरे शाम संगत करदे सी एक दिन दे टुटे 7 दिनां ते पै गए। एक दिन दा नेम टुट जे 7 दिनां ते पै जांदा जी। तुहाडा कोई नेम होवे ना मारन नूं अरदास करिया करो साडा नेम ना टुटण दी। एक दिन दा टुटा 7 दिनां ते पै जांदा जी। 7 दिनां दा टुटा महीनिआं ते महीनिआं दा टुटा सालां बदी नंबर आउंदा जे। जिहड़ा सालो साल गुरु तो टुटिआ रहे कई जन्म लग जांदे फिर। इस करके 30 काम भी जरूरी होण पिछे पा दिओ संगत दीआं घड़ियां ना खुंझाया करो। जदों मन कवे अज नहीं जाना संगत च उदों ही लालच नहीं की पता अज ही दशमेश पिता ने तेरिया तकदीरां बदलनिया हो। संगत का गुण बहुत अदकाई पड़सूआ गणक उधारे। सोडी पातशाह कहिंदे जिहड़ी गणका पाप कर करके पापण हो चुकी सी उन्हें जाना सी कुंभी नरकां च। एक बख्शियां दी संगत हो गई तोता दे गए तोता। नी गणका इस तोते नू राम राम जपाया कर। राम राम जपांदियां वेखो किथे गई गई वैकुंठ विबाण चढ़। आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। संगत का गुण बहुत अदकाई पड़सूआ गणक उधारे। अगे बड़े प्यारे बचन ने परस न परस भये कुब जाको लै वैकुंठ सिधारे। अजामल प्रीत पुत्र प्रत कीनी कर नारायण बुलारे। मेरे ठाकुर के मन पाए पावनी जम कंकर मार विदारे। इस करके संगत दा बड़ा गहरा असर जी। अज अरदास करके जायो अपना आला दुआला चेक करया करो कि साडा संग किना नाल है किना नाल बहने। जे गड्डी च भी जाने तो की सुनते हैं टीवी भी चलाने तो की वेखते पढ़ते भी हाँ तो की पढ़ रहे हैं। ये बड़े गहरे असर छड़ जांदियां चीज़ां। अज नहीं रोकेगा अपने मन को फिर इन्ना नीवा चला जाएगा इन्ने थले चले जाएगा हो सकता है वापसी मुड़ना भी औखा हो जाए। सच्ची मुची
एक मुंडा दिल्ली का 22 साल साढ़े 22 साल की उम्र च उहदा विआह हो गया 26 साल का होया ते महाराज ने एक बेटी ते एक बेटा बख्शिया उहनूं बड़ी सहजी कृपा हो गई। एक बहुत भैड़ी लत सी शराब पींदा सी रज रज के उहनूं मैं कई बारी जिंदगी च समझाया मैं कहा बेटा ना पीता कर महाराज ने कृपा कीती है इन्ना सोहना तेरा चेहरा तेरा विआह भी छेती हो गया महाराज ने कृपा करती। मैं क्या देशां विदेशां च असीं विचरदे आ 42 43 44 45 सालां दे बच्चे कहिंदे साडे रिश्ते नहीं हो रहे। मैं क्या बेटा महाराज ने सहजी कृपा करती तेरा विआह छेती हो गया उस तो बाद इन्नी कृपा कीती 2 बच्चे तेरी झोली च पाए। कई बारी विआह हो जांदे असीं थावां थावां ते विचरदे आ कईआं दे विआह नूं किन्ने किन्ने साल हो जांदे औलाद नहीं हुंदी। मैं क्या चीज सौखी मिल गई इहनूं सांभ लै कई बारी चीज सौखी मिल जाए ना बंदा सांभदा नहीं। जिदा बाप बनिया बनाइया जायदादा छड़ जे बहुत विरली औलाद होंदी जिहड़ी सांभ दी कदर करदी नहीं ते उजाड़ दिंदी जे जिहनूं आप मेहनतां कर करके कमाना पए उहनूं पुछो रुपए पैसे दी की कदर कीमत है। मैं क्या बेटा सौखी चीज मिल गई है उजाड़ ना इहनूं सांभ। मैं क्या जिहड़ी तू चीज पीना ना ये कोई अंदर तेरी ताकत नहीं दे रही अज तू पी रहे एक समा आएगा तेनू पीना शुरू कर दी। ओही होया जी ओही होया पी पी के लीवर खराब हो गए। मैं उन्हूं एक बारी बहुत औखा होया मैं क्या रब दा वास्ता ही ना पीता कर मैनू औखा हो गया। कहिंदा वीर जी मैनू ना समझाया करो मैं तुहाडे पैसिआं दी नहीं पींदा। लाइव जा रहा प्रोग्राम मैं क्या तेरी मर्जी वीरा फिर मेरा ते फर्ज है मैं ते भोकना तेनू तू समझ ना समझ। इन्नी पींदा सी पी पी के लीवर खराब हो गए डॉक्टर ने जवाब देते अखीरली स्टेज ते पिया ते कहिंदा वीर जी नू बुलाओ मैं मिलना चाहुंना। मैं उहदे कोल गया ते भर भर के रोंदा सी कहिंदा वीर जी मैनू बचा लो मैं अपने बच्चियां करके जीना चाहुंना हुण। मैं क्या सजना हुण ते गया समा हथों हुण पछताए दा भी कोई फायदा नहीं हुण ते सारा काम ही खराब हो गया सारी मशीनरी खराब हो गई। तेनूं समझाउंदे सी तू समझदा नहीं सी अज आवाजां पै रहीआं ने कन्नां च सुण लै गुरु दी गल। गुरु दी गल जे तेनूं सोहणी नहीं लगदी गुरसिखां महापुरशां दी गल सोहणी नहीं लगदी अज अपने मन च गल रख के जाई जे मैनू गुरु महापुरशां गुरसिखां दी गल चंगी नहीं लगती मेरे माड़े दिन अगे आए होए। जे गुरु महापुरशां गुरसिखां दी गल चंगी लगे ते समझ लो मेरे चंगे दिनां दी शुरुआत हो गई। अज लग जा गुरु दे आखे अज लग जा गुरु दे आखे समा हथों लंघी जा रहा खोद खोद के मूसा मर गया मौज लई भुजंगे ने कितनिया खुडा खोदद चूहा कितनी मेहनत करके खुड तैयार करद जो खुड तैयार होंगी तो सा पाद चूहे नू कहिंदा तू पासे हो आनंद मैं लांगा खुड दे। खोद खोद के मूसा मर गया मौज लई भुजंगे ने सिंच सिंच के माली मर गया मौज लई भवरंगे ने जोड़ जोड़ के सूम मर गया मौज लई वरतंगे ने सोच सोच के खप खप के दुनिया मर गई मौज लई सतसंगे ने। असली आनंद उह लैंदे जिंदगी दा जिहड़े संगत च आके फैसला करदे मना नहीं जाना माड़े पासे मेरे गुरु ने रोकिया ना मैं नहीं जाना मैं गुरु तो सियाणा नहीं मेरी मत गुरु तो अगे नहीं एदी नहीं आखे लगेगा एदी गल नहीं मनेगा फिर चोटा ही खानियां पैनियां। सो सिख सखा बंदप है भाई जे गुर के भाणे विच आवे अपने भाणे जो चले भाई विछड़ चोटा खावे। अपना आला दुआला चैक करो संघ किना नाल है साडा ए मंगिया करो रोज मंगदा ना गुरु नानक नाम लेवा सिख हर गुरुद्वारे च अरदास हुंदी ते अखीर च की मंगदे आ सही प्यारे मेल जिन्ना मिलिया तेरा नाम चेते। महाराज जी उहनां दे मेल मिलायो जिन्हां नूं मिलां ते मैनूं चेतावे सतनाम श्री वाहिगुरु। इहो जे मिलदे रहणगे ते जीवन बचिया रहेगा।
काहू की संगत मिल जीवन मुक्त होए, काहू की संगत मिल जमपुर जात है। बाणी दे बचन ने कबीर साहब नू पुछया इन्नी उच्ची किवें चले गए, सीधा रब दा रूप ही हो गए तुसी। कहिंदे मेरी वड्याई नहीं, मैनू बख्शियां दा चंगियां दा संग हो गए। ये सारा शब्द है गुरु ग्रंथ साहिब च, कदी पढ़े गंगा के संग सलता बिगड़ी, सो सलता गंगा होए निवरी। बिगड़े कबीरा राम दोहाई, साच भयो अनकत हे न जाई। अगलियां पंक्तियां चंदन के संग तरवर बिगड़े, सो तरवर चंदन होए निवरे। पारस के संग तांबा बिगड़े, सो तांबा कंचन होए निवरे। संतन संग कबीरा बिगड़े, सो कबीर रामे होए निवरे। संगत दा असर है, संगत दा असर है। जे चाहुंदे हो मैनू भी तारे, मेरिया कुलां नू भी तारे, फिर संग चंगिया दा करो। सोच चंगी होएगी, संगत चंगी होएगी, सच्ची मुची फिर काम भी चंगे करेगा। जे काम चंगे करेगा फिर जान तो बाद बैकुंठ नहीं, जींदियां जी नू बैकुंठ नसीब होने। जे संगत माड़ी होएगी, सोच भी माड़ी बनेगी, सोच माड़ी होएगी, काम भी माड़े होणगे। जे काम भी माड़े होणगे जान तो बाद नरक नहीं, मैं जींदियां जी बंदियां नू नरक भोगदा वेखिया जी। इस करके आ मंगो साहबजादियां तो जेड़े पैराज चल के तेरे चरणा च आए ने, महाराज इन्हां नू ऐसी ऐसी लत पा दे, ऐसा नशा ला दे कि बस मेरा टाइम होवे मैं खिचिया चलाव, कोई भी चीज मैनू रोक ना सके। इत्थे आके जिहड़ी खुराक मिलदी है वह आत्मा नू त्रिपत करदी। सच्ची मुची फिर तेरी नहीं, ए बचन ने महापुरशां दे घर दा एक जी दिलों संगत करदा होवे, एक जी घर दा एक जी दिलों संगत करदा होवे। गुरु नानक साहब दे सारे टब्बर दी फिकर करदे, एक जी दिलों संगत करदा होवे उहदे सारे टब्बर दी फिकरां करदे। महाराज तुसी दिलों संगत करो, बस संगत का गुण बहुत अदकाई। ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ। ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਇੱਕ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਜੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਰਟ ਨਾਂ ਤੇ ਹੈ ਭਾਈ ਸਹਿਦਾ ਮਲਾ, ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਜੇ ਭਾਈ ਰੁਕਮਦੀਨ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਬਿਭੋਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਕਲਗੀਧਰ ਸਵਾਮੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਬਿਭੋਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਦਰਿਆ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਇਸ ਹੱਥ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਘਾਟ ਸਾਹਿਬ। ਕਦੀ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਓ, ਬੜਾ ਰਮਣੀਕ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਉੱਥੇ ਰਹੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਵਹੀਰਾਂ ਕੱਦ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਿਆ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਘਾਟ ਸੀ ਇਸ ਪਾਸੇ, ਤੇ ਬੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਬੇੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਕੰਡੇ ਤੋਂ ਉਸ ਕੰਡੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਹਿਦਾ ਮਲਾ ਬੈਠਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ਕਰਮ ਅੱਗੇ ਆਏ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਈ ਬੀਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਲ ਲੱਗਦੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਪਰ ਬਿਰਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਜ ਬੀਜ ਬੋ ਜਾਓਗੇ, ਅੱਜ ਬੀਜ ਬੋਵੋਗੇ, ਅੱਜ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਕਦੋਂ ਰੰਗ ਲਿਆਉਣ, ਪਰ ਰੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆਉਣਗੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਰੰਗ ਲਿਆਉਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨੀ ਕਲਾ ਵਰਤਾਈ ਤੁਸੀਂ, ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਜੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਪ ਤਪ, ਕੋਈ ਪੁੰਨ ਅੱਗੇ ਆਏ। ਸਹਿਦਾ ਮਲਾ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬੇੜੀ ਸਵਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਜਾ ਕੇ, ਕੋਈ ਰੰਗ ਰਤੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਸਹਿਦਿਆ ਉਸ ਕੰਡੇ ਲੈ ਚੱਲ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ ਰੰਗ ਰਤੜੇ ਨਿਤਨੇਮੀ ਇਹਦੀ ਬੇੜੀ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ। ਬਸ ਬੇੜੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਤੇ ਹਰ ਕੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸੁਣਾਈਆਂ, ਬਲਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਜਾਈ, ਆਏ ਮਿਲ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਏ ਮਿਲ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ।
उन्होंने गुरु दशमेश पिता कलगीधर स्वामी दीयां बातां छेड़तीयां बेड़ी जी ओ बेड़ी चला रहा ते ए भी कह लो कि कोई करम चंगा अगे आया कि ओदे कन ओ गुरसिखां दे बोलां वल ए भी कोई करम होंदा नहीं ते कई वारी संगत भी चाह के तन हाजर होंदा मन किथे बाहर ही दौड़ रहा होंदा जदों भोग पै जांदा उदों समझ लगदी कि लै समाप्ति भी हो गई। कई वारी सवेरे नितनेम करन बैंदे आ जपजी साहब शुरू करदे आ ते पता लगदा शुरू कीता सोचे सोच ना हो गई सारा पाठ हो जांदा बंदे दा ध्यान ही नहीं होंदा अखीर च जदों पढ़दे आ सलोक पवन गुरु उदों पता लगदा लै समाप्ति भी हो गई। मैं सुनिया नहीं सुनिया ते सी पर तेरा ध्यान नहीं सी अज कह लो हथ कार वल ते चित यार वल हो गए। कोई करम अगे आए हथा नाल चप्पू मार दे इहदे कन गुरसिखां दे बोलां वल ते गुरसिख गल्लां करदे सी दशमेश पिता ने उन्हों निवाजे दशमेश पिता ने उहदे बेड़े तारे दशमेश पिता ने उन्हों सहारा बख्शे दशमेश पिता ने उस रुलदे फिरदे नूं माण दिता। ऐसियां बातां छेड़ियां जदों कंडा आया ते गुरसिंह प्यारे उतरे ते सहदे ने आवाज मार के आख्या ओ गुरु के सिखो जिदियां बातां करदे सी तुसी कलगीधर स्वामी दशमेश पिता दी गुरु गोबिंद सिंह दी उन्हों निवाजिया उन्हों निवाजिया मैनू दसो कदी मैनू भी निवाजेगा गरीब नूं। आ वेखो संगत दी रंगत होंदी आ संगत दा असर होंदा जी आ संगत दा असर होंदा जी। माड़ी संगत दी बाबत ते सानू इस तरह दी ताड़ना कीती कबीर साकत संग ना कीजिए दूरे जाइए पार दूरों ही किनारा कर जा पता है सामने मत्थे ओ लगेगा जिन्हें रब दी नाम दी कोई गल ही नहीं करनी पुठियां गल्लां करनियां तू किनारा कर जा उहदे कोल जाके स्वाद ना लई पता नहीं किहो जा छिट्टा पै जे तेरे बड़े नितनेम ही टुट जान। कबीर साकत संग ना कीजिए दूरे जाइए भाग बासन कारो परसीए तो कछ लागे दाग। कहिंदा मैनू भी निवाजेगा कदी ओ तुसीं इन्नियां सिवतां दे पुल बन्ने ओ दे के उहने उहनूं निवाजिया दशमेश पिता ने उहनूं निवाजिया कदी मैनू गरीब नूं भी निवाजेगा। सिंह सी प्यार वाले पता सी किवें जोड़ना है जोड़ना ही औखा हुंदा जे तोड़ना ते मिंट नहीं लगदा मिंट नहीं लगदा। कोशिश करियो अपनी जिंदगी चे जोड़न वाले बनियो जोड़न वाले बनियो। एक जगया होया दीवा कई बुझिया नू जगा सकदा जेड़ा आप बुझिया होया किसे नू जगा नहीं सकदा। जोड़न वर्गा पुन नहीं तोड़न वर्गा पाप नहीं जिहड़े जोड़दे ने गुरु अर्जन देव जी इन्ना माण देंदे कोई जन हर सिउं देवे जोर। की करोगे महाराज महाराज कहिंदे कोई हरी दे चरना नाल जोड़दे चरण गहूं बकूं सुभ रसना दीजे प्राण अकोर। कुट के उहदे चरण फड़ लवां उहनूं मिठे बोल बोलां अपनी जिंदी निछावर कर दवां उहदे तो जिहड़ा जोड़ देवे। अपनी जिंदगी चे जोड़न वाले बने हो तोड़ना ते बहुत सौखा जी तोड़ के बदसीसा ना लियो कोशिश करियो अपनी जिंदगी चे जोड़े हो दो चार पांच दस नू ओ जुड़ के जिन्ना नाम जपणगे तेरे काउंट चे भी महाराज नू ओ असीसा पाउणियां पैणियां ओ असीसा फिर तेरे वड्डे वड्डे मुश्किलां दे हल कर देणगी। हो सके ग्यारह पाठ जपजी साहब रोज करिया करो नहीं कर सकते दस ही करो दस भी औखे लगते ने पांच रोज करया करो पांच औखे लगते ने दो ही करो दो भी नहीं कर सकते एक करो एक भी नहीं कर सकते ना करो पर जेड़ा करदा उन्हूं करन दे उन्हूं ना तोड़या करो। कोई फायदा नहीं जी पाठ करन दा कोई फायदा नहीं जी गुरुद्वारे जाण दा लै तू सर्टिफिकेट चके होए ने क्या पता महाराज दी किस नूं केड़ी चीज पा जावे। कई वारी अल्लड़ पानी वेख के रीझ जांदा जे कई वारी भोला पानी वेख के रीझ जांदा जे इन्नियां बख्शीशां दे दे के निवाज देंदा बंदा कहिंदा इन्नी मेरी औकात नहीं सी जिन्नियां मेरियां झोलियां भरतियां तू। सच्ची मुच्ची तुसी इत्थे आओ ते सही
इत्थे कुछ भी बिरथा नहीं जांदा। यह कोई जिंदाबाद मुरदाबाद थोड़ा ना कर दो जो कदर नहीं पएगी। बाबे दे वेड़े च बैठे हो संगत चरण पाउंदी रोज, इत्थे कोई भी मिट्टी दा किणका वह चरण धूर बन जांदी है, वह भी तेरे माड़े लेख बदलाउण दी समर्था रखदी। एवें नहीं, एवें ना समझो, इत्थे अठे पैर कीर्तन होंदा, इत्थे रब वर्गियां संगतां चरण पाउंदियां, पता नहीं केड़ा पाउंदा महाराज नूं। सच्ची मुची ऐसा आला दुआला, ऐसा माहौल। मस्कीन जी आम क्या करदे सी, जिथे गुरु ग्रंथ साहिब दा प्रकाश होवे, संगत प्यार च जुड़न वाली होवे, कीर्तन करन वाले अकाली बाणी दा कीर्तन करदे होण, ऐसियां थावां ते असी तुसी स्थूल शरीर थोड़े सूक्ष्म रूहां ज्यादा जगह मिल के बैठियां होंदी, वह वक्री गल है। सानू नज़र नहीं आउंदी क्योंकि साडे कोल अख नहीं है, वह दिप दिस नहीं है साडे कोल, उहनां दी ड्यूटी लगी होंदी, उहनां नूं अगों मां नहीं मिलदी, क्योंकि जिन्नी तगड़ी रूह होएगी उन्नी मां भी तगड़ी चाहिए नेम प्रेम वाली। और रूहां नूं फिर अगों मां नहीं मिलती, तो फिर इत्थे आके खुराक लैंदी। साहबजादियां दा इशारा ही होंदा उहनां नूं, ओह बैठा ही सामने जुड़ के जांदियां मोढ़ां मार जांदियां, फिर घर भी नहीं पहुँचते। रस्ते जे फोन आ जाता, सरदार जी काम हो गया तुहाडा, काम हो गया जे तुहाडा, ओह रूहां काम करदियां जी। लोग कहिंदे माड़ी नज़र लग गई, माड़ी नज़र लग गई, गुरबाणी नहीं मनदी। गुरबाणी कहिंदी सहस तब नैन नन नैन है दोए को, सारी अखां च बैठा तू वेख दे। चलो मन भी लोग के माड़ी नज़र लगती है, जे माड़ी लगती है फिर चंगी भी तो लगती होगी। बस इन्ना फर्क है, माड़ी नज़र माड़ी थां ते जाके लगेगी, जे चंगी नज़र लवाना चाहना फिर चंगी थां ते आके खुराक लिया कर। इत्थे पता नहीं केड़ी जुड़ी हुई रूह बैठी होवे, जिदा परछावां भी तेरे ते पै जे, तेरे टुट्टे दा नितनेम शुरू हो। बहुत कला वरतदी जे संगत विच, ते इन्नी कशिश वरतदी कैबे को सोभा नहीं देखा ही परवान। बस तुसी अरदास करो मैनू एहो जे मिलन सच्चे पातशाह। किसी ने पूछा तेरा घरवार कितना है, बथेरे मिलते आप खुश भी उन्होंने गलों तो ही हाँ, जिन्हों गलों का कोई सर पैर नहीं उही गल रोज करी जानी। किसी ने पूछा तेरा घर बार कितना है, किसी ने पूछा तेरा परिवार कितना है, किसी ने पूछा तेरा कारोबार कितना है, किसी ने पूछा तेरा संसार कितना है। अज साहबजादे हो मेरे ते ओ कृपा करो, मैनू ओह मिलन जेड़े पूछण दस तेरा कलगीधर स्वामी नाल प्यार कितना है। वाह 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 वाह। सत श्री अकाल। वाह 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 वाह, शुक्र है। अरदासां करियो महाराज नूं, अरदासां करियो मिलन सानू इहो जी, फिर बैटरियां चार्ज होणगियां। आ वेखो संगत ने ऐसी जीवन दी खेड़ ही बदलती। वह गुरसिखां ने करंट लाता, हां सहदिया क्यों नहीं, वह प्रेम दे भुखे नहीं, प्रेम दे। भावें तू बेड़ी चलाना है, उन्होंने तेरी बेड़ी नहीं वेखनी, उन्होंने तेरी गरीबी कंगालता नहीं वेखनी, वह तो प्रेम दे भुखे है, वह तो प्रेम वेख दे। जिहो जी किसी की प्रेम की अंदर चुंबक तगड़ी होएगी, महाराज खिचे चले आउंदे। ये फोन ते हुण आए है, कुछ साल होए ने फोन ते हुण वजदे है फोन। उदो केड़े फोन होंदे सी, सिख याद करदा सी, सिख दा कलेजा वाजा मारदा सी, गुरु उठ के सिख नू कलेजे नाल ला लैंदा सी। उदो केड़े फोन होंदे सी, भाई मंज साहब खूह च डिगे हुए, गुरु अर्जन देव जी हरिमंदर साहब बैठे हुए,
अद्धी रात का समा ते पंचम पातशाह कहते छेती करो भाई मन साहब खूह च डिग गए, खूह च डिगे ने, तुसी जाओ भाई मन साहब का खूह दर्शन करके आओ। गुरुद्वारा बनिया तकरीबन दरबार साहब तो 20-22 किलोमीटर दूरी ते पैंदा जी, दसो 20-22 किलोमीटर दूरी केड़ा फोन सी। अद्धी रात का समा शरीर दुबला पतला ते हनेरी ऐसी चली, लकड़ा की पंड रखी सी, लकड़ा की पंड समेत ही खूह च डिग पे, पानी थोड़ा थोड़ा सी, खड़े हो गए पंड सर ते ऐ ते बस अंदरों दियां तारां खड़काउंदे, ओ सतनाम वाहे गुरु, सतनाम वाहे गुरु, सतनाम वाहे गुरु, सतनाम वाहे गुरु। ए ऐसा मोबाइल जे, ऐसा नंबर जे, जिथे इनू याद करोगे ना तुसी, जिथे खड़काना शुरू कर दोगे उत्थे विदा बननिया शुरू हो जानी। जिथे हर आराधी है तिथे हर मित सहाय, जिथे इनू आजा मारनिया शुरू कर दोगे उत्थे विदा बननिया शुरू हो जानी। अद्धी रात का समा ते भाई मंद साहब खूह च पए हुए, आले दुआले ना बंदा ना बंदे दी जात, केड़े फोन होंदे सी प्यारियो, आई फोन होंदे सी, सिख कलेजे तो वाजा मारदे सी, अज फोर मिनटियां रह गई, सवेरे नितनेम भी होंदा ते बस किमें किमें समाप्ती होवे, हजे शुरू नहीं होया बस भोग पवे छेती छेती। वट साहब नू वेखदे ते तीन तीन घंटे वड़िया ही रहना है, फेसबुक होवे भावें वट साहब होवे, जिन्हां चीज़ां ने तेनू कख नहीं देना उन्हां वल कितना चित लाउना है, पर जिन्हें तेरिया कुल्ला तार देनिया उन्हों चित ला के नहीं करता। आ सिख आ करते आवाजा मारते सी ते गुरु अर्जन देव जी इत्थे बैठे हरिमंदर साहब, एकदम ध्यान गया ओ भाई मंज साहब ते खूह च डिगे हुए, फोन मिलाता ना उन्होंने आंदरा तो, ओ सतनाम वाहे गुरु, 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 सतनाम वाहे गुरु। दास नाल जत्था बोलो, मगरे संगत बोलो, एक बारी गूंजा पा के उच्ची उच्ची बोले हो, जो तुसी उच्ची बोलते हो ना तुहाडे फेफड़िया ते जोर पैंदा जी, जदों फेफड़िया ते जोर पैंदा ते जिथे जिथे ब्लॉकेज होंदी सारी नसा खुल जांदी, कदी बाईपास सर्जरी नहीं करानी पेगी। मैं उदा कूकर होण दे नाते कह रहे हैं, जदों तुसी उच्ची बोलदे हो तुहाडे फेफड़िया ते जोर पैंदा, फेफड़े फुलदे, जिथे जिथे ब्लॉकेज होएगी सारी खुल जाएगी। नाले बाबे दी गोद च बैठे हो, जितनी उच्ची बोल के गुरु नानक दे घर दी रौनकां वधाओगे, दस गुणा गुरु नानक तुहाडे घर दीआं रौनकां वधाए। दास नाल जत्था बोलो, मगरे सारी संगत एक सुर च बोले हो, ओ सतनाम वाहे गुरु, सतनाम वाहे गुरु, आहा हा शाबाश, सतनाम वाहे गुरु, सतनाम वाहे गुरु, सतनाम वाहे गुरु, सतनाम वाहे गुरु, वाह वाह वाह, सतनाम वाहे गुरु, सतनाम वाहे गुरु,
गुरु अर्जन देव जी ने जदो ध्यान ला के वेख्या के भाई मंझ साहब खूह च डिगे पे, जब के तारा खड़का रहे ने, ते इतिहास पढ़ के वेख्यो महाराज दरबार साहब तो पैरे नंगी भजे, पैरे नंगी जोड़ा नहीं पाया दरबार साहब तो 4 किलोमीटर दूर एक गुरद्वारा, जे शायद तुसी दर्शन किते होण, गुरद्वारा तूत साहिब आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। इतिहासक गुरद्वारा श्रोमणी कमेटी कोलों दे इंतजाम ने गुरद्वारा तूत साहब दरबार साहब तो 4 किलोमीटर दूर पैरे नंगी भजदे आए। उत्थे बाबा बुढ़ा साहब भाई गुरदास जी होर मर्जी उड़े सिख देख के हैरान हो गए, दीन दुनिया का पातशाह पैरे नंगी भजदा आया, पैरे नंगी भजदा आया, ते पसीनो पसीन होए पे गुरु अर्जन देव जी। बाबा बुढ़ा साहब ने भाई गुरदास साहब ने हाथ जोड़े, महाराज इन्नी केड़ी काली, कहिंदे छेती करो बाबा बुढ़ा जी, छेती करो, भाई मंझ साहब खूह च डिगे हुए। प्रत पाले बारक की न्याई जैसे मात पिता, जिमें मां बाप बच्चे नू पाल दे गुरु सिख नू पाल दा जी। उत्थे गुरद्वारा तूत साहब भाई गुरदास जी ने बाबा बुढ़ा साहब ने गुरु अर्जन देव जी दे चरणा च जोड़ा पवाया, उत्थों रस्सा लिया, सारी टीम सारा काफला गुरु अर्जन देव पातशाह दे नाल जदों उत्थे पहुंचे जिथे खूह च डिगे ते रस्से लमकाए, भाई साहब रस्सा फड़ो ते उत्ते आओ। भाई मंझ जी इन्ना प्यार करते सी, कहिंदे मैनू ना कड्डो, पहले लकड़ां दी पंड नू कड्डो बाहर, एडा प्यार यार फिर गुरु क्यों ना करे, गुरु क्यों ना करे, जदों तुसी सेवा इन्ने प्यार च रुज के करदे हो ते गुरु क्यों ना तुहाडी फिकर करे। ओ संगतां कहिंदियां भाई साहब छड्डो लकड़ां दी पंड नू, होर आ जाएगी लकड़ां, तुसी आओ बाहर रस्सा फड़ो। कहिंदे तुहानू लकड़ां दी पंड लगदी ए, पर मैनू ते लकड़ां दी पंड विचोली लगदी, क्योंकि इहदे सदके गुरु अर्जन देव पातशाह दे दीदारे होए, ए विचोली लगदी मैनू। आखिरकार पहले लकड़ां दी पंड कढ़ी, गुरु अर्जन देव जी ने रस्सा लमकाया, भाई साहब रस्सा फड़ो ते बाहर आओ। जदों बाहर आए ना भाई मंझ साहब, गुरु अर्जन देव जी ने कलेजे नाल ला लिया और वर दिता, मंझ प्यारा गुरु को गुरु मंझ प्यारा, मंझ गुरु का बोए था जग लंघन हारा। हुण तुहानूं नहीं इन्नी मशक्कत घालण दी लोड़, हुण सेवा ते तुहाडे मगर मगर भाई साहब, जिहड़े तुहाडा जीवन पढ़ लैणगे, जिहड़ा तुहाडा शरदा नाल ना भी लै लैणगे, असीं उहनां नूं भी तार देवांगे। एडे हक बख्शते महाराज ने। भाई मंझ साहब ने फिर हाथ जोड़ के कहा सी, पातशाह एक चीज मंगना चाहना तुहाडे तो। महाराज कहिंदे मंगो। भाई मंझ जी कहिंदे महाराज सिखां दे इन्ने करड़े इम्तिहान ना लिओ, कलयुग दा समा अगे महाराज सिख इन्ने इम्तिहान नहीं दे पाएगा, इन्ने करड़े परचे ना पायो, एडे करड़े इम्तिहान ना लिओ। ओए प्यारे हो, असी ते कुछ नहीं घालना घालदे, जो साढ़े वड्डे वडेरियां गुरसिखां मरजीवड़ियां ने घालना घालियां, उहनां दे सदके ही खांदे पए आ सब कुछ। तिनकी बरकत खाएं असंख करोड़े, एवें नीसी मिल जांदी सिखी, एवें नीसी मिल जांदी अमृत की दात। अज ते आवाजां भी पै रहियां ने, ककार भी गुरद्वारे तो मिलदे, फिर भी नखरे नहीं मुकदे साढ़े। हथ जोड़ के बेनती है, आप छको टब्बर समेत छको। एक जगह अमृत संचार होया ते उत्थे बड़ियां बेनतियां होईयां, बई परिवार सने अमृत छको। जदों समाप्ति होई ते एक माँ बाप खड़े हो गए, कहिंदे जी असी ते छकांगे पर अपनी धी नूं नहीं छकावांगे। कहिंदे बई अपनी धी नूं क्यों नहीं छकाओगे? कहिंदे जी हुण 23 साल दी हो गई, 6 महीने साल तक इहदे लई रिश्ता लब्बांगे, पता नहीं किहो जिहा मुंडा लब्बे, पता नहीं किहो जिहा घर लब्बेगा। ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਸਕਾਰੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰ ਘਰ ਲੱਭੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੂਕਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਗਾਤਰਾ ਪਵਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਓ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਘਰ 'ਚ ਭੇਜਣਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਖ ਮਾਣੇ, ਫਿਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਏ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ,
ਉਹਦੇ ਤੇ ਡੋਰੀਆਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਵੇਖੋ ਵੇਖੋ, ਬੜੀ ਲਾਜ ਰੱਖਦਾ ਜੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਦੇ। ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਖਾਵਾਂ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਰੰਟ ਲਾਤਾ ਭਾਈ ਸਹਿਦਿਆ ਉਹ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਭੁੱਖੇ, ਬਸ ਜਿਤਨੀ ਤੇਰੀ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਉਨੀ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾਣਗੀ। ਬਸ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਹੁਣ ਕਲਗੀਧਰ ਸਵਾਮੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦਾ, ਹੱਥ ਕਾਰ ਵੱਲ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਚਿੱਤ ਯਾਰ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਟੀਚਾ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਬੇੜੀ 'ਚ ਆਇਓ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਆ ਗਏ ਕਦੀ ਮੇਰੀ ਬੇੜੀ 'ਚ ਆਇਓ ਕਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ ਜ਼ਰੂਰ। ਬਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਚ ਕਹੋ ਸੁਣ ਲਿਓ ਸਵੈ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਨਾ ਤੂੰ ਆਵੇਂ ਬਸ ਬਹੁਤ ਗਿਣਾਵਣੇ, ਨਾ ਤੂੰ ਆਵੇਂ ਬਸ ਵੇਦ ਪੜਾਵਣੇ, ਨਾ ਤੂੰ ਆਵੇਂ ਬਸ ਤੀਰਥ ਨਾਈ ਹੈ, ਨਾ ਤੂੰ ਆਵੇਂ ਬਸ ਧਰਤੀ ਧਾਈ ਹੈ, ਨਾ ਤੂੰ ਆਵੇਂ ਬਸ ਕਿਤੇ ਸਿਆਣਪੈ, ਨਾ ਤੂੰ ਆਵੇਂ ਬਸ ਬਹੁਤਾ ਦਾਨ ਦੇ, ਸਭ ਕੋ ਤੇਰੇ ਵਸ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰਾ, ਤੂੰ ਭਗਤਾਂ ਕੇ ਵਸ ਭਗਤਾਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ। ਚਲਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿਆਣਪਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਭੱਜਦਾ ਜੇ। ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਭੋਲਾ ਭਾ ਹੋਏਗਾ, ਭਗਤੀ ਕਰੋਗੇ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਜੀ, ਚਾਕਰੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਜੇ, ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਰਦਾ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ। ਅਚਿੰਤ ਕੰਮ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭ ਤਿਨਕੇ, ਜਿਨ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਪਿਆ। ਬਸ ਅੱਜ ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਨੀਰ ਵਹਿੰਦਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਈ ਆਏਗਾ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਗਰੀਬ ਦੀ ਬੇੜੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸਵਾਰ ਹੋ। ਅੱਜ ਐਸਾ ਮਨ ਜੁੜਿਆ, ਅੱਜ ਐਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖਿੱਚ ਮਾਰੀ, ਅੱਜ ਐਸੀ ਕੂਕ ਨਿਕਲੀ ਅੰਦਰੋਂ, ਐਸੀ ਅਰਦਾਸ ਨਿਕਲੀ, ਖੁਦਾ ਕਰਤਾ ਹੈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਦੁਆ ਜੋ ਦਿਲ ਸੇ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੋ ਯੇ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੇ ਹੋਤੀ, ਦੁਆ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਸੇ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਆ ਤੋ ਉਨਕੀ ਵੀ ਕਬੂਲ ਹੋਤੀ ਹੈ ਜਿਨਕੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਤੀ। ਤੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਦੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦਾ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪੈਣ, ਉਹ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਬਣ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ। ਅਰਦਾਸ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ, ਅਰਦਾਸ ਲਫਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ, ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਰੂਹ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਰੂਹ ਪੁਕਾਰ ਕਰੇਗੀ, ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਬਣ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋ ਕੇ ਦੋ ਅੱਥਰੂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਰੁਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਵਿਦਾ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਆਪੇ ਵਿਦਾ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਕਹਿਣਗੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਵੇਗੀ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਕੱਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਬਹੁਤ ਕਦਰ ਪਾਉਂਦੇ ਜੇ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਥੋੜ੍ਹਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ। ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬੇਕਦਰੀ ਪਾਏ, ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਾਉਂਦਾ। ਚਰਨ ਸਰਨ ਗੁਰੇਕ ਪੈਂਡਾ ਜਾਏ, ਚਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਅੱਗੇ ਹੋਏ ਲੇਤ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਸਿਮਰਨ ਮਾਤਰ ਸਿਮਰਨ ਤਾਹੇ ਬਾਰੰਬਾਰ ਗੁਰਹੇਤ। ਪਾਵਨੀ ਭਗਤ ਪਾਏ ਕੌਡੀ ਅਗਰ ਭਾਗ ਰਾਖੇ, ਤਾਹੇ ਗੁਰ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਦਾਨ ਦੇਤ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਨਿਧ ਮਹਿਮਾ ਗਾਦ ਬੋਧ, ਨਮੋ 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 ਨੇਤ ਨੇਤ ਨੇਤ। ਬਸ ਅੱਜ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਆ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਓ ਨਾਲ। ਸਿੰਘਾਂ ਸਮੇਤ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਸਹਿਦੇ ਦੀ ਬੇੜੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਖੁਬਿਆ ਹੋਇਆ ਚਿੱਤ ਇਹਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਮੋਢੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਚੱਲ ਉਸ ਕੰਢੇ ਲੈ ਚੱਲ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਸਹਿਦਿਆ ਆ ਵੇਖ ਤਾਂ ਸਹੀ ਤੇਰੀ ਬੇੜੀ 'ਚ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੀਆਂ ਤੇ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਬੇੜੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਕਲਗੀਧਰ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਇਵੇਂ ਜਾਪਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਵੇਖਦੇ। ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਦੇਖੀ, ਸੁਧ ਕੀ ਨਾ ਸੁਧ ਰਹੀ, ਬੁੱਧ ਕੀ ਨਾ ਬੁੱਧ ਰਹੀ, ਮਤ ਮੇ ਨਾ ਮਤ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਵੇਖੀ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਕੰਡੇ ਵੀ ਲੈ ਚੱਲੇਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਹੁਣ ਚੱਪੂ ਮਾਰਦਾ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਨੇਤਰਾਂ ਨਾਲ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੁਮਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਡੇ ਲੈ ਚੱਲ, ਹੋਰ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵੀ ਦੇਣੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਸਮਾਂ ਬਣੇਗਾ ਜਰੀਜਾਂ ਲਾਣ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਕੰਡੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਹਰ ਉਤਰੇ, ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਉਤਰੇ,
एक मोरां दी थैली महाराज ने भाई दया सिंह नूं दित्ती, दे सहदियां नूं, सहदे नूं दे। जदों मोरां दी थैली भाई दया सिंह ने सहदे नूं दित्ती, लै तेरी मजदूरी, लै तेरा पहाड़ा, इन्ना प्यार च भिज चुकिया सी। कहिंदा भाई साहब महाराज नूं को कौडियां दे के मोहरां दे के ना खेड़ा छड़ाओ, तुहाडा ते मेरा व्यापार इहो जिहा इक्को जाई है, बस सौदा वटा लो अज। दया सिंह कहिंदा मूंह संभाल के गल कर, तू बेड़ी चलाण वाला ओ किथे दशमेश पिता। उन्हां नाल अपनी तुलना करी जांदा है। सहदा कहिंदा मैं सच कहना गुरु गोबिंद सिंह दा और मेरा व्यापार इक्को जाई है, बस फर्क इन्ना कि मैं छोटा व्यापारी हाँ वड्डे व्यापारी ने। इन्ना कह दिओ उन्हां नूं कि पैसे मोरा ना दिओ, बस सौदा वटा लो अज। इन्ने च दशमेश पिता आ गए, कहिंदे की कहने सहदिया, सतगुरु मोरां दी थैली दे के खेड़ा ना छड़ाओ, अज सौदा वटा लो, बस मोरां नहीं चाहीदियां, सौदा वटा लो, तुहाडा मेरा व्यापार इक्को जाई है, सौदा वटा लो। महाराज कहिंदे दस चाहुंना की, कहिंदे सतगुरु अज तुसी मेरे घाट ते आए हो, मेरी समर्था इन्नी है, इस टुट्टी भज्जी बेड़ी ते वीआं पच्चीआं नूं तीआं नूं बिठा के छोटा जिहा दरिया इस कंडे तो उस कंडे पार कराउना, तुसी भव सागरां दे मालक हो, भव सागर पार कराउंदे हो, अज मैं तुहाडी सेवा करके तुहानूं तुहाडे सिंघां नूं पार लाया, अज तुसी मेरे घाट ते आए ते मैं तुहानूं कंडे लाया, जदों मैं शरीर छड के तुहाडे घाट आवां मैनूं भी पार ला दिओ तुसी। ओ कोई घट कर दे फिर, अगो गुरु गोबिंद सिंह सी ना पातशाह, कहण लगे ओ सहदिया एडा प्यार कीता ही, तेनूं मोरां दी थैली नहीं चाहीदी, अज असी तेरे घाट ते आए, तू सेवा कीती सानू उस कंडे लाया, की कहना जदों मैं तुहाडे घाट ते आवां ते मैनूं पार ला दिओ, तेनूं कल्ले नूं नहीं लावांगे। हुण दया सिंह किन्ने सिंह बह के आए दी बेड़ी च, कहिंदा महाराज हुणे दसदा, एक दो तीन चार उन्नी ते रुक गए, कहिंदे सतगुरु उन्नी सिंह वीवा मैं ते इक्कीवें तुसी सी। दशमेश पिता कहिण लगे तू सानू इक्कीआं नूं पार लाया है, जा बचन करदिआं तेरी इक्की कुलां नूं पार लावां। सच्ची इस तरह तार दे मेरे सतगुरु, इस तरह तार दे जदो तुसी रूह तो पुकारा करदे हो। किदे सदके एक संग चंगा सी, बस गुरसिख मर जीवड़े बह गए बस बेड़ी च, ऐसियां बातां छेड़ियां के सुन सुन नाम तुम्हारा प्रीतम प्रभ पेखण का चा, ऐसा चा चढ़िया के वेखो दशमेश पिता खिचे चले आए गरीब दी बेड़ी च, ऐसी बिद बन गई कि इक्की कुलां तारतियां पाई सहदे दी, सत सौरे दियां सत दादके दियां सत नानके दियां, आखो सत नाम श्री वाई वाहेगुरु। इस तरह तार देंदे क्योंकि दरगाह दी चाबियां महाराज कोल ने, दरगाह दे मालक ने जांका कहया दरगाह चले, ऐसे दीन दुनिया दे पातशाह ने। आज अपनी बांह फड़ाओ, जिन्हां जिन्हां हजे नां नहीं लिखाए भाई अपने नां लिखाओ, सिंह बार नां लिखदे है, राशन स्टोर ते अपने नां लिखाओ, तां जो पूरा योग प्रबंध हो सके। दो थावां ते कलम रस संचार होएगा, एक माता गुजरी हाल च, एक उत्ते इहदे उत्ते जिहड़ा हॉल, इस तों उत्ते जिहड़ा हाल है, क्योंकि दो जत्थे लगणगे पंज प्यारियां दे, संगत दी गिणती वध होण करके फिर संगत अमृत छक के दरबार च आएगी कल, उहनां नूं जी आयां नूं आपां सत्कार करांगे उहनां दा। महाराज मेहर करन, सच्चे पातशाह रहमत करन, कल दा दीवान बाकी है, सारिआं ने कल समें सिर पुजणा। जिन्हां ने अमृत छकण वास्ते नां लिखाए ने, ठीक चार बजे केसी इशनान करके नवे जां सुच्चे बस्तर पा के, महंगा समान गहने लट्टे परस वगैरा अपने घर ही छड के आउणा ते समय सिर पुजणा, तुहाडा इत्थे गुरद्वारा कमेटी वल्लों सत्कार भी कीता जाएगा। जिहड़ियां भैणां अमृत छकणगियां उहनां नूं चुन्नियां सोहणियां, ते जिहड़े वीर भरा बच्चे अमृत छकणगे सोहणियां दस्तारां गुरु घर वल्लों सत्कार दित्तियां जाणगियां, तुहाडे लंगर दा भी योग प्रबंध कमेटी वल्लों होएगा। तुसीं बस तैयारियां करो, अज रात तुहाडे कोल बाकी है, दशमेश पिता नूं कहो महाराज मेरा मन बना, जे तेनू अमृत की लोड़ है मेरा नितनेम तेरे तो वध नहीं।
मेरे ते भी कृपा कर, मेरे टब्बर ते भी कृपा कर, छोटे छोटे बच्चों नू छकाओ, बच्चा कोरी सलेट जे जो लिख दोगे उहदे च बस सारी जिंदगी लिखिया रहेगा। अज उहनू गात्रे पवा दिओ फिर लाएगा नहीं वह सच्ची मुची। उहनू साहिबजादियां दी तस्वीरां विखाओ, वेखो ये तुहाडे बाबे ने, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਫਿਰ 25-26 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤੀ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੇਰੀਆਂ ਅੰਦਰਾਂ ਦੁੱਖਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਲੰਘ ਗਈ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਦਾੜੇ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਰਮ ਚਿੱਟੇ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ, ਆਓ ਪੜ੍ਹੀਏ ਪੰਕਤੀਆਂ ਜੀ, ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਅਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਗੇ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸੁਣਾਉਣਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਗੇ, ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਅਖੀਰਲਾ ਦੀਵਾਨ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਮਾਗਮ, ਪਹਿਲਾਂ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਲੱਗਣਗੇ 8:30 ਤੋਂ 9:30। ਭਾਈ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀ, ਉਹ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ 9:30 ਤੋਂ 10:30। ਫਿਰ ਦਸਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਆਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਾਂਗੇ। ਤੋ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ, ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਆਪ ਰੱਬ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਰਜ਼ੀ ਉੜੇ ਪੇਨ ਲੈ ਕੇ ਦਰਦ ਲੈ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। bani.net ਔਰ GSPS ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਆਓ ਪੜ੍ਹੀਏ ਪੰਕਤੀਆਂ ਜੀ, ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਵਕ ਸਾਗਰ ਅਥਾ ਲਹਿਰ ਮੈਂ, ਪਾਵਕ ਸਾਗਰ ਅਥਾ ਲਹਿਰ ਮੈਂ, ਬੋਲੋ ਤਾਰੋ ਤਾਰਨ ਸਾਰੇ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ਾਰੋ ਹਰਨਾਲੇ
साचे साहिबा क्या नहीं कर तेरे करता तेरे संग रे जिस दे जो पावे सगा से सलाह तेरी ना मन सावे ना जिनके मन वस्या साचे शब्द कनेरे जय नानक सच्चे साहिबा क्या नहीं कर तेरे साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भूखा सब गवाइया शान सुगमन आयो से सदा कुर्बान किता गुरु नानक सुनो संतो रूपे नाम मेरा आधारो आजे घर सुभागे सावर वाजे करो तू अस किते कर्म पाया तू जिनको मर के लागे कहे नानक तै सुगवा सुनो वड़ भागी हो सगल मनोरथ पूरे अनुग्रह प्रभाया उतरे सगल सूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सती बाणी संत साजन पे सरसे पूरे गुरते जानी सुनते पुनिर जाते गोए सतगुरे आप पूरे गुणवंत नान गुर चरण लागे वाजे अनहतुरे श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता इस रात दोए लाई दाया किल सगल जगत ओ चंगियाया बुरियाया वाच तरम दूर करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर जिनी नाव ते आजा गए मसकत तालो नानक दे मुख उजले केती छोटी नाल बोलो वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह वते वाहे गुरु जी का पंथ की जीत राज करेगा खालसा झूलते निशान रहे पंथ महाराज के सजते दीवान रहे गुरु महाराज आज्ञा भई काल की कवे चलायो पंथ सब सिखण को हुकम है गुरु मान्यो ग्रंथ गुरु मान्यो ग्रंथ काल तख्त महान है सिख पंथ दी शान है बोले सुनगा सत श्री अकाल बोले सुनगा सत श्री अकाल जो गज के बुलाए सो कल वेले सिर वाहेगुरु सत श्री अकाल कल वेले सिर आयो कृपा करो टाइम सिर कल अखीरला दीवान है समय सिर दर्शन दियो।